क्या मानवों की उत्पत्ति बंदर और लंगूर के आपस में सेक्स करने से हुई या फिर किसी और जीव से? परंतु दोस्तों, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं कि मानवों की उत्पत्ति किसी न किसी जीव से हुई होगी? क्या मानव हमेशा से खुद एक अलग जीव नहीं रहा होगा अपने आप में ही, जो समय के साथ इवॉल्व हुआ? दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज हम लोग आ जाएंगे अपनी पे, यानी मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हम मानव पृथ्वी पे कैसे आए, हम बुद्धिमान मानवों का जन्म इस पृथ्वी पे कैसे हुआ जो हम लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। पर क्या सचमुच में हम लोग बुद्धिमान हैं? ये तो कोई और विषय है, पर आज का विषय ये है कि आखिरकार इस मानव रूपी शरीर का उद्गम कैसे हुआ हमारे नेचर में। दोस्तों, बचपन से आप एक कहावत तो सुनते ही आ रहे होंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। दोस्तों, ये नियम सिर्फ प्राकृतिक तत्वों पे नहीं बल्कि प्राकृतिक जीवों पे भी लागू होता है, यानी कि प्रकृति में रहने वाले सभी जीव, संपूर्ण सृष्टि इस नियम से बंधी हुई है। प्रकृति में मौजूद सारे जीव के साथ समय के साथ मॉडिफिकेशन और इवोल्यूशन होते रहता है, यानी समय के साथ उनमें बदलाव आते रहते हैं। सिर्फ पूरे यूनिवर्सिटी में समय के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, और वास्तव में जिसको हम लोग चेंजेस समझते हैं वो चेंजेस नहीं होता है, वो बदलाव नहीं होता है, वो समय के चक्र में होने वाले घटनाक्रम बस हैं, जो एक साइकिल के तहत होता है, जो एक चक्र के तहत होता है। जैसे पृथ्वी का बनना, उसका चलना और एक समय के बाद फिर से उसका खत्म हो जाना और फिर वापस से बनना, ये सब सिर्फ एक समय के साथ, एक समय के चक्र में ये सब होता रहता है, जिसको हम मानव लोग इवोल्यूशन चेंज के नाम से जानते हैं। पर प्रकृति में ये इवोल्यूशन और मॉडिफिकेशन जो होता है ये इतना ग्रेजुअल होता है कि एक जनरेशन तो इसको नोटिस कर ही नहीं पाती है, बहुत सारे जनरेशन इसको नोटिस करते हैं धीरे धीरे जाके। आप हमेशा सुने होंगे अपने पूर्वजों के मुंह से, क्यों हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसे होता था, हमारे जमाने में तो ऐसे होता था। ये सब वो बदलाव है जो बहुत लंबे समय में हमें फील होते हैं, जो वास्तव में बदलाव नहीं बल्कि समय के चक्र में होने वाले महज घटनाक्रम है। पर दोस्तों, आज का जो सवाल है कि आखिरकार मानव इस पृथ्वी पर कैसे आए, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हमें बचपन से ही बुक्स में पढ़ाते आ रहे हैं कि मानवों का इवोल्यूशन बंदर या चिंपैंजी यानी लंगूर से हुआ, बट बहुत सारे लोगों ने बाद में इस थ्योरी को ये बोल के झुठला दिया कि वास्तव में अगर बंदर या चिंपैंजी से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ होता तो सारे लंगूर आखिर क्यों मानव नहीं बन गए। पर दोस्तों, मेरी नजर में यह दोनों ही थ्योरी गलत है। ये वास्तव में सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल दो अलग अलग तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का आपस में समागम कराया जाता है, तो एक तीसरे तरह की सीड हमें मिलती है। तो क्या नेचर में यह प्रोसेस नहीं होता रहा होगा? अगर दो अलग अलग तरह के जीव अगर आपस में समागम कर लेते हो तो क्या एक तीसरे और नए तरह के जीव की उत्पत्ति नहीं हो जाती होगी? दोस्तों, यह प्रोसेस इतना नेचुरल है कि हम सबको यह बहुत कॉमन लगना चाहिए था, पर फिर हम यह भी देखते हैं कि एक तरह के जो जीव होते हैं वो सिर्फ अपने ही जीव में दूसरे मेल या फीमेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं। तो ऐसे में कोई, जैसे कि शेर कोई लोमड़ी के साथ इंटरकोर्स नहीं करता, बट ऐसे में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे घोड़े गधे के साथ करना। तो इस इंटरकोर्स से क्या अलग अलग तरह के जीव जब आपस में समागम करते हो तो क्या उससे एक तीसरे मॉडिफाइड जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है? तो क्या समय के साथ पृथ्वी पे इतने वर्षों में क्या अलग अलग तरह के जीव के मिलन से किसी और तरह के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई होगी? क्या हम ऐसा नहीं मान सकते? हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि मानव बंदर या चिंपैंजी दोनों में से किसी एक का नहीं बल्कि उन्हीं दोनों के बीच के समागम का नतीजा है और समय के साथ ह्यूमन बींग्स में इवोल्यूशन होता गया।
दोस्तों बात यह है कि कुल मिला के मानव शुरू से ही एक अलग प्रकार का जीव था, जिसमें प्रकृति में मौजूद हर जीव की तरह समय के साथ इवोल्यूशन होता गया और फिजिकल मॉडिफिकेशन भी होता गया। और दोस्तों मैं इस थ्योरी में भी बिलीव नहीं करता जो लोग बोलते हैं कि मानव अगर लंगूर से इवॉल्व हुआ तो फिर सभी लंगूर मानव क्यों नहीं हो गए। दोस्तों वास्तव में ऐसा हो सकता है कि मान के चलो कि बंदर और लंगूर के बीच आपस में समागम होने से एक नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई हो जो जेनरेशन बाय जेनरेशन आज के मानव की तरह हो गई हो। दोस्तों ये तो हुई मेरी थ्योरी, आप लोगों को इसके बारे में क्या, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपका इसके बारे में क्या सोच है। और हाँ, कभी भी दूसरे के सोच को आप बिलीव मत करो, हमेशा ही अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ, अपने आप के साथ समय बिताओ, अपने अंदर ही देखो, सभी सवालों के जवाब आपको खुद मिलेंगे अपने भीतर से। दोस्तों अगर शास्त्रों की बात माने तो मानव का इवोल्यूशन बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से और अजीबोगरीब जीवों से हुआ, और वो कैसे जीव थे, किस तरह के जीव थे, ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए देखते रहिए एस्टर्न फिलॉसफी, ज्ञान जो आपके भीतर से आती है जानकारियों के लिए नहीं।